कार्यालय पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शुक्रवार को कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सांसद संजय सिंह ने इस घटना को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि योगी राज को जंगल राज कहना भी कम है। कानपुर में अपराधी को पकड़ने गए डीएसपी इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह फेल है। संजय सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का योगी राज जंगल राज बन चुका है। जिम्मेदारी लेते हुए इस विकास दुबे अपराधी के ऊपर स्वर्गीय संतोष शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, थाने के अंदर घुसकर मारने का मामला दर्ज है, अपने चचेरे भाई को मारने का मामला दर्ज है, एक विद्यालय के प्रबंधक थे सिद्धेश्वर पांडे जी, स्वर्गीय सिद्धेश्वर पांडे जी, उनको उनकी हत्या का मामला दर्ज है, 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की खबर कोई पत्रकार कर दे उसको जेल हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के कोरोना आंकड़ों पर कोई सवाल उठा दे उस आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, सैंड माफिया के खिलाफ कोई पत्रकार लिख दे तो उसकी हत्या हो जाएगी उन्नाव में। और एक दुर्दांत अपराधी पिछले 2.5 साल से घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बता रहे हैं वो 25,000 का इनामी है। तो आपको 25,000 का इनामी योगी सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई, क्यों नहीं उसको जेल भेज पाई? और जिन उत्तर प्रदेश के बहादुर पुलिस वालों को आपने भेजा इस दुर्दांत अपराधी को पकड़ने के लिए, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजाम था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजाम था या नहीं था? उनके पास आधुनिक हथियार थे या नहीं थे? उनके पास इन दुर्दांत अपराधियों से लड़ने के लिए पर्याप्त पुलिस बल था कि नहीं था? क्योंकि हमारे 8 बहादुर जवानों की जान गई है, उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, हमारे पुलिस के जवान वो शहीद हो गए, उनकी जान चली गई। कभी आपने इतनी बड़ी घटना नहीं सुनी होगी, और इसका मतलब कि संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में चल रहा है। योगी जी दावा करते हैं हमने संगठित अपराध खत्म कर दिया, योगी जी कहते हैं हमने संगठित अपराध में सबसे करारी चोट पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संगठित अपराध चल रहे हैं और समानांतर सरकार चल रही है अपराधियों की। इन अपराधियों से वहां का प्रशासन भी कार्रवाई करने में डरता है। इन अपराधियों की एक समानांतर सरकार चलती है उस इलाके में, सब कुछ ये करते हैं, इनकी मर्जी से होता है। इस संगठित अपराध को तोड़ने के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए अब तक योगी जी ने क्या किया? मैं समझता हूं पिछले 3.5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की हालत हुई है, और ज्यादा दूर मत जाइए, 24 घंटे का आंकड़ा उठाकर देखिए, प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या एक परिवार की हो गई, गाजियाबाद में हत्या, अमरोहा में हत्या, 24 घंटे में 18 हत्या उत्तर प्रदेश में। ऐसे जंगल राज को चलाने वाले योगी जी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और पिछले 20-25 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ है अपराध के मामले में, जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो गृह मंत्रालय लेके बैठ जाता है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है वही गृह मंत्रालय के ऊपर कब्जा किया रहता है, क्योंकि उसको पुलिस तंत्र को अपने हाथ में रखना, उससे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा है, हम जानते हैं, छुपी बातें नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।